नमस्कार, हिमाचल अभियान .com से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। हिमाचल में अधिक मिलेगा चीनी का कोटा, प्याज के बढ़ते दामों पर ऐसे लगेगी लगाम। हिमाचल में 8 महीने बाद 8 नवंबर को सजेगा जनमंच। हिमाचल में कोरोना के अब तक 124 मामले और 152 हुए ठीक, 5 की गई जान। हिमाचल में 2 नवंबर से लगेंगी 9वीं से 12वीं और कॉलेज छात्रों की क्लासें, आदेश जारी। एयरपोर्ट के निर्माण और विस्तार से बदलेगी हिमाचल की तस्वीर, पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। राहुल गांधी ने बिहार की थकान उतारने को शिमला चुना, बहन प्रियंका के घर छराबड़ा पहुंचे। बीजेपी ज्वालामुखी मंडल पर गिरी गाज, सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ किए भंग। किन्नौर के निगम भंडारी हो सकते हैं हिमाचल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, विधिवत घोषणा बाद में। बास्केटबॉल कोर्ट का मुनीश ने किया शिलान्यास, कोमल शर्मा ने गिनवाए नगर परिषद के विकास कार्य। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में त्योहारों पर डिपू में चीनी का कोटा पहले के मुकाबले अधिक मिलेगा। प्रति व्यक्ति 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलेगी, ये जानकारी खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने दी है। उन्होंने मिठाइयों में मिलावट को रोकने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को इस पर नकेल कसने के आदेश दिए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि मिठाइयों में मिलावट को रोकने के लिए विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में कोरोना के चलते फरवरी माह से बंद पड़ा जनमंच कार्यक्रम दोबारा शुरू होने जा रहा है। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, ठियोग जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पांगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे, लाहौल स्पीति के काजा व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर मंडी पधर की जनसभाएं सुनेंगे। इसके अलावा उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ऊना के हरोली में, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर कुल्लू, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल किन्नौर, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी सोलन की अर्की, वन मंत्री राकेश पठानिया कांगड़ा के बैजनौर, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग हमीरपुर के वड़सर और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बिलासपुर सदर में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सिरमौर केशरी रेणुका जी में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल में अब तक कोरोना के 124 मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में 32, मंडी में 31, कुल्लू में 29, चंबा में 9, ऊना में 8, सोलन में 7, सिरमौर में 5, हमीरपुर में 2 व शिमला में 1 मामला आया है। वहीं 152 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। सिरमौर में 34, लाहौल स्पीति में 30, सोलन में 26, शिमला में 19, कांगड़ा में 13, बिलासपुर में 10, ऊना में 8, चंबा में 7 व हमीरपुर के 5 कोरोना पॉजिटिव ने जंग जीती है। कुल्लू में 2, हमीरपुर कांगड़ा व मंडी में 1-1 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। कांगड़ा में हमीरपुर निवासी 70 साल के व्यक्ति की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 21,600 पहुंच गया है। अभी 2,735 एक्टिव केस हैं। अब तक 18,534 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 306 हो गया है। हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षाओं और कॉलेजों के छात्रों की नियमित कक्षाएं 2 नवंबर से लगेंगी। इस बाबत आज संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश वेद प्रकाश ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी संस्थानों को केंद्र सरकार के SOP का पालन करना होगा। अगर किसी स्कूल में छात्रों की संख्या अधिक है तो संबंधित स्कूल व कॉलेज प्रशासन वैकल्पिक दिवस व शिफ्ट में क्लास लगाने का फैसला ले सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। स्कूल व कॉलेज के छात्र माता पिता की लिखित सहमति के बाद ही कक्षा लगवा सकेंगे। स्कूल व कॉलेज में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण तथा कांगड़ा एवं शिमला हवाई अड्डों के विस्तार से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। विशेषकर उच्च आय वर्ग के पर्यटक प्रदेश के मनोरम स्थलों का भ्रमण करने के लिए आगे आएंगे। इससे न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर भी प्राप्त होंगे। ये बात शुक्रवार को CM जयराम ठाकुर ने आज यहाँ प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार के संदर्भ में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने अधिकारियों को मंडी जिला के नागलचा में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा एवं शिमला हवाई अड्डों के विस्तार से जुड़ी विभिन्न औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को अचानक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंच गए। वे चंडीगढ़ तक हवाई जहाज में आए और वहां से सड़क मार्ग से गुपचुप शिमला के निकट चरवाड़ा में अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर छराबड़ा पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद थकान उतारने के लिए वे हिमाचल की वादियों में आए हैं। जाहिर है इससे पहले वे अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यहां आए थे, लेकिन इस बार वे यहां अकेले आए हैं। इससे पहले कोरोना काल के दौरान प्रियंका गांधी व उनके कुछ रिश्तेदार अगस्त माह में छराबड़ा आए थे और उन्होंने इसके लिए प्रशासन से अनुमति भी ली थी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी करना और अनुशासनहीनता के चलते ज्वालामुखी बीजेपी मंडल पर गाज गिरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने तुरंत प्रभाव से बीजेपी ज्वालामुखी मंडल को भंग कर दिया है। इसके साथ ही मंडल के सभी मोर्चे एवं प्रकोष्ठों को भी भंग कर दिया गया है। ये कार्रवाई सुरेश कश्यप ने पिछले दिनों संगठनात्मक जिला देहरा में ज्वालामुखी मंडल के कुछ पदाधिकारियों द्वारा संगठन के विरुद्ध बयानबाजी पर पार्टी की छवि को धूमिल करने के प्रयास के चलते की है। इसीलिए पार्टी ने तुरंत प्रभाव से बीजेपी ज्वालामुखी मंडल को भंग कर दिया है। साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं को भी दायित्व मुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की कमान अब किन्नौर जिला से संबंध रखने वाले निगम भंडारी को मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में विधिवत रूप से घोषणा बाद में की जाएगी। युकांग के संविधान के अनुसार पहले हाईकमान के पास साक्षात्कार होगा और फिर इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन भंडारी का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। निगम भंडारी ने 44,010 मत हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी युद्धपति ठाकुर को मात दी है। अध्यक्ष पद के दावेदार युद्धपति ठाकुर को मिले 37,732 वोट और अमित पठानिया को 5,998 मत मिले हैं। निगम भंडारी अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। प्रदेश चुनाव अधिकारी मुशर्रफ अली के अनुसार प्रदेश युवा के चुनाव में कुल 116,225 वोट डले, जबकि नोटा में 540 वोट पड़े। हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष मुनीश शर्मा ने शुक्रवार बाद दोपहर पुराना कांगड़ा स्थित मस्जिद ग्राउंड में बास्केटबॉल कोर्ट का शिलान्यास किया। उन्होंने बास्केटबॉल के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रदेश में जहां जहां भी युवा चाहते हैं कि ऐसे कोर्ट का निर्माण हो, संघ कभी पीछे नहीं रहा है। इस अवसर पर नगर परिषद की अध्यक्ष कोमल शर्मा ने नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्य गिनवाए। कोमल शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्थानीय निवासी चाहते थे कि यहां पर बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण हो। उसी के अनुरूप जब हमने संघ के अध्यक्ष मुनीश शर्मा से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने इस दिशा में बिना विलम्ब किए सहयोग की दिशा में कदम बढ़ा दिए। समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।